मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालको, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे, मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही, और वहां सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री, इतना भी नहीं समझती? मैं तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ, और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं, जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा। सत्य है तुम्हारा कथन, मिथ्या है ये। मुझे भयभीत करने का प्रयास है। वो सप्त मातृकाएं अवश्य ही तुम्हारी माया से उत्पन्न भ्रम का एक भाग थी। ये आकाश मार्ग से क्या आ रहा है सोल? ये तो मेरे असरों के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनके अंगों की वर्षा हो रही हो आकाश से। नहीं, ये असंभव है। हाँ।
क्या हुआ शुम? मेरी समस्त मातृकाएं तुम्हें उपहार भेज रही हैं। उपहार भाया नहीं तुम्हें? मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रही हो तुम? उपहास? नहीं शुम, मैं तो तुम पर दया कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये आरंभ मात्र है। भ्रष्ट हो रहे अपने मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस, बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा Thank you.
ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभ शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ तो अवरोध अवश्य है। मेरी स्तंभन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। स्तंभ बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुम। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूँ? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है, उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। मूर्ख, तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए, जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियाँ छीन लेती हूँ। क्योंकि मेरी शक्तियाँ जन कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगा। हे देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था। स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। सबका एक ही मत, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहे। इस युद्ध में धूम्र लोचन, चंड मुंड, रक्त बीज और निशुंग जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका, इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त जाओ यहाँ।
यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जिए। मैं कृतार्थ हुआ देवी, आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। इसके एक पग का इतना बड़ा प्रभाव? नहीं नहीं, मात्र एक नारी है ये, पुनः माया कर रही है। इसका अंत करना है मुझे, अपने महायोद्धाओं और भ्राता निशुम का प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने अपमान का दंड देना है इसे। पुत्र गणेश, अब हम जिसके साक्षी बनने वाले हैं, देवी आदिशक्ति, तुम्हारी माँ की कृपा है हम पर। देवी कौशिकी अब कलारीपट्टू विधि से युद्ध करेंगी। ये तो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा की भांति मेरी ओर बढ़ रही है। तैयार हो जाओ शुभ। अंत अंत तुम्हारा होगा दुष्ट नारी, तुम्हारा। मुझे पीछे धकेल दिया इसने।
ये तो बहुत भयंकर वार कर रही है मुझ पर। एक नारी में इतनी शक्ति, विश्वास नहीं होता। माँ की शक्ति का आभास मात्र ही शुंभ को आतंकित कर रहा है भैया। मूर्ख है ये असुर, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो जिससे युद्ध कर रहा है वही उसकी शक्ति का स्रोत भी है। क्योंकि माँ आदि शक्ति तो संसार की समस्त शक्ति का स्रोत है, उसका आधार है। मैं एक नारी से पराजित नहीं हो सकता। दम्भी दुस्साहसी नारी, अब सहन न करो मेरे आक्रमण का। अभी भी तुम में कोई शक्ति शेष है, अथवा नारी शक्ति से पराजय स्वीकार करोगे तुम? माँ इस युद्ध में इतना अधिक समय क्यों लगा रही है, जबकि वो चाहे तो क्षण भर में शुंभ का वध कर इस युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। चिंता मत करो गणेश, माँ तो शुंभ से मात्र क्रीड़ा कर रही है, उसे उसकी ऊर्जा व्यय करने के लिए विवश कर रही है। किंतु जब माँ अपना प्रहार करेंगी तो वो माँ का प्रहार सहन नहीं कर सकेगी। अब अधिक समय नहीं है शुंभ के पास। देवी ने अपने प्रहार क्यों रोक दिए? अरे कहां गई ये देवी? अब पर्याप्त हुआ शुभ, अथवा और भी युद्ध करना है तुम्हें? मैंने कहा ना देवी, एक नारी से मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। लो देवी, अब सहो मेरा प्रहार। मेरे इस प्रहार को भी इसने विफल कर दिया। ये मूर्ख शुंभ कभी नहीं समझेगा माँ की महिमा। अब इसका अंत होना ही चाहिए। मायावनी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। Yeah.
माँ ने इस दुष्ट का अंत कर ही दिया। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी जय। तुमने क्या सोचा देवी कि तुमने मेरा वध कर दिया? ये तुम्हारी नारी शक्ति मेरे पुरुषार्थ का खंडन नहीं कर सकती। ये क्या, ये तो पुनः जीवित हो उठा। क्या हुआ, मुझे जीवित देखकर चौंक गई ना? परंतु ये तो होना ही था, क्योंकि दंभी नारी तुम मेरा वध नहीं कर सकती। कदाचित इस बार इसका अंत हो ही गया। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार ये दुष्ट शुंभ पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। ये तो तुम पर प्रहार करने से भी अधिक आनंददायक है। ये तो मैं एक बार नहीं बार बार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर अचंभे का भाव देखकर अति आनंदित होने का अवसर जो प्राप्त होगा मुझे। ये क्या हो रहा है? ये शुंभ पुनः जीवित क्यों हो रहा है? इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है देवराज, क्योंकि शुंभ को वरदान प्राप्त है। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुरुष के भीतर समाहित स्त्री शक्ति, अब उसका प्रकट होना कैसे संभव होगा गणेश जी? ये तो पूर्व में ही संभव हो चुका है सूर्यदेव, कदाचित आप भूल गए। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और आप सभी अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन कर चुके हैं। अर्थात ये सब माँ की ही लीला है। माँ को तो पूर्व में ही ज्ञात था कि शुंभ का अंत करने के लिए हम सभी की शक्तियों की आवश्यकता होगी, इसीलिए माँ की लीला के अनुसार उचित समय पर गणेश को युक्ति सूझी और उसने हम सभी को अपनी नारी शक्ति का आवाहन करने का सुझाव दिया। किंतु देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, सभी मातृकाएं तो भिन्न लोकों में वहां के वासियों की रक्षा के लिए स्थित हैं। तो अब हमारे द्वारा पुनः उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ लौटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मुख का ये स्तब्ध भाव अमूल्य है कौशिकी देवी, इसके लिए मैं अपने सभी योद्धाओं का और सैनिकों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। चलो वही क्रीड़ा पुनः आरंभ करते हैं देवी। तो कहो इस बार कौन से शस्त्र का प्रयोग करोगी?
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मता रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चिन्दुरूपिण्यै सुखाय सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नेत्रेत्यै भुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै तो अच्छा तुम्हारे सभी प्रयत्न विफल हो गए तो तुम प्रार्थना भी करने लगे। क्या हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप भी किसी की पूजा करने में विवश हो गए? सुनो, मेरा सुझाव मानो, किसी की पूजा करना बंद कर दो और सिर्फ मेरी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा एकमात्र सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अब इस मायावनी नारी की अनुचरियाँ मेरे वध में इसकी सहायता करने आई हैं। माता, चहु दिशाओं में जिन शक्तियों का विस्तार है वो जब एकत्रित हो जाएंगी और जब इसकी शक्ति भी उसमें समाहित होंगी तब इस दुष्ट का वध संभव हो जाएगा। हाँ माता। लो शुम, तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था भी हो गई। अच्छा, तुम्हारा ये विश्वास मेरे मनोरंजन के लिए उचित है, परंतु देवी, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करती कि तुम्हारे पीछे खड़ी देवियां मेरे असुरों का वध कर सकती हैं? किंतु मेरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नारी होना तुम, जटिलता समझने की क्षमता कहाँ है तुम में? शुभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से? भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो मेरा वध भी असंभव हो जाएगा। अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा। शुंभ, नारी को पुरुष से निम्न समझते हो ना तुम, इसीलिए ये भी नहीं समझ सके कि तुम्हारे भीतर की शक्ति भी नारी रूपिणी ही है। उसी के बल पर तुम अभी तक जीवित हो, किंतु अब और नहीं। जिस नारी शक्ति से तुम्हें इतनी घृणा उत्पन्न होती है, अब समय आ गया उसी नारी शक्ति का महत्व तुम्हें समझाने का। अपनी दुर्बलता तुमने दिखा ही दी ना,
थोड़ा और बल का प्रयोग करके देखो। यही तुम्हारी इच्छा है तो यही उचित होगा शुभ। पुत्र गणेश, तुम्हारी माँ शुम की स्त्री शक्ति को खींचकर उसे बाहर निकाल रही है। मुझे कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु मेरी शक्ति मेरे भीतर सुरक्षित है। तुम सभी देवी एकत्रित होकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। सप्त मातृकाओं द्वारा माँ को अपनी शक्ति प्रदान करने पर भी माँ शुंभ से उसकी स्त्री शक्ति बाहर खींचने में असमर्थ क्यों है? पुत्र, हम सभी ने तो सप्त मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी माँ को प्रदान कर दी है, किंतु अष्ट मातृका शेष है और वो मातृका है विनायकी। विनायकी, विनायकी, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षिता। क्या है ये? कैसी माया है ये? ये कोई माया नहीं, शक्ति है शुंभ। तुमने बार बार नारी को कम आका, नारी को भला बुरा कहकर उसका अपमान किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी तुम्हें नारी शक्ति का उचित परिचय दें। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो, वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु। शुंभ, तुम्हारे वरदान को निरस्त करने हेतु मैं देवी कौशिकी त्रिदेवों और समस्त देवताओं की स्त्री शक्ति की सहायता से तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति को बाहर खींच लूंगी। संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरी ही शक्ति है मूर्ख। मेरी शक्ति के बिना तो कोई अपनी उंगली गतिमान तक नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर भी मेरी ही शक्ति का वास था, जिसे बल प्राप्त कर तुम खड़े तक हो सकते थे।
किंतु तुम अपने पौरुष के अहंकार वश इस स्त्री शक्ति का मूल्य ही नहीं समझ सके मूढ़मति शुंभ। तो अब मैंने वो शक्ति लौटा ली है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं नारी शक्ति का महत्व समझ गया हूँ कि नारी सभी को शक्ति प्रदान करती है। मुझे सुधरने का एक अवसर प्रदान कीजिए, मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच के लेके आओ वहां से। जाओ धूम्रलोचन, उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। नहीं, तुम्हें अनेकों अवसर प्रदान कर चुकी हूँ मैं, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगी मैं। हाँ पुत्री, मुझे भी ज्ञात है इस असुर में अभी भी प्राण शेष है। तू मेरा वध करेगी, तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? अब समय आ गया है सब नारी शक्ति को एकत्रित होने का। करो
अरविंद शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णु जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय के पश्चात आज माँ से भेंट हुई है। अंततः माँ कैलाश लौट आई। माँ, शुम निशुम के अंत में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। माँ, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया कि आपने क्यों माँ मातंगी का रूप धारण किया और फिर माँ मातंगी से आप माता कौशिकी क्यों प्रकट हुए। ये आपकी ही तो लीला थी माँ, जिसका उद्देश्य था सृष्टि को शुंभ निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना। तो क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था कि अभी भी मेरा एक प्रश्न शेष है। शेष है? क्या प्रश्न शेष है पुत्र? भैया महान है, उनसे बहुत स्नेह है मुझे, किंतु सत्य तो सत्य है ना माँ? तो क्या ये तुम्हारा प्रश्न है? नहीं माँ, मैं भैया की अब मानना कभी नहीं कर सकता, किंतु ये सत्य है ना माँ कि मेरी नारी शक्ति विनायक ही भैया की नारी शक्ति देवी कुमारी से अधिक सुंदर है ना?
धीरता से मैं क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब मुझे अपने निवास में अपने परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है। रुकिए मां, आप अभी भीतर नहीं जा सकती। भीतर नहीं जा सकती? क्यों? उसका भी कारण आपको शीघ्र ज्ञात होगा माँ, किंतु उसके लिए आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। नेत्र बंद करने होंगे, किंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं माँ, बस इसीलिए। उमा, यदि यही तुम्हारे पुत्रों की इच्छा है तो भवन में प्रवेश करने हेतु तुम्हें अपने पुत्रों का निवेदन तो स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो लो, मैंने अपने नेत्र बंद कर दिए। माँ, अब आप आगे बढ़िए, किंतु जब तक मैं ना कहूँ आप अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। अब उचित है मां, अपने नेत्र खोलिए। कैलाश लौटने पर हम सभी का स्वागत स्वीकार कीजिए माँ। इतना सुंदर स्वागत नाथ, कैलाश की ऐसी सुंदरता, मेरे पुत्रों और आपके द्वारा अपने इस भव्य स्वागत से मैं भाव विभोर हो रही हूँ। आओ माँ, कैलाश का कण कण तुम्हारा स्वागत करने के लिए अति उत्साहित है। देवी पार्वती, आपके स्वागत की समूची व्यवस्था गणेश और कार्तिकेय ने ही करी है। ये साज सज्जा, मेरा स्वागत अद्भुत अति सुंदर है गणेश। यहाँ से, कैलाश से, मेरे स्वामी से और तुम दोनों से दूर रहकर मैं अति विचलित थी, किंतु आज जैसे मैंने पुनः सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। माँ, अब आप कैलाश लौट आई हैं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा। हाँ माँ, आपके बिना तो जैसे संपूर्ण कैलाश जीवन के आनंद का अनुभव करना भूल गया था, किंतु अब कैलाश पुनः आनंदित हो उठेगा।
देवी पार्वती, आपने यहां से दूर जाने का कष्टप्रद निर्णय लिया, अन्यथा शुंभ और निशुंभ का वध असंभव हो जाता। किंतु ब्रह्मदेव, यदि पुत्र गणेश मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अपना विनायकी रूप धारण नहीं करता और अन्य देवताओं को उनका स्त्री रूप उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शुंभ निशुंभ का वध कदाचित मेरे लिए भी असंभव था। माँ, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। मैंने तो वही किया जो आपका आदेश था और मेरा कर्तव्य। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ज्ञात है आप पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्सुक होंगी। कितना कुछ कहना और सुनना होगा आप सभी को, है ना? अवश्य देवी सरस्वती, किंतु आपके प्रस्थान करने से पूर्व मुझे आप सभी से कुछ कहना है और एक अत्यंत आवश्यक और विशेष घोषणा करना चाहती हूँ। और ये घोषणा गणेश के विषय में है। मैं समझ गया माँ, कल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात मेरा जन्मदिन। आप अवश्य उसके उपलक्ष्य में उत्सव की घोषणा करने जा रही हैं। तो शीघ्र कहिए ना माँ, गणेश को लेकर क्या विशेष घोषणा करनी है आपको? अरे वाह भैया, जन्मदिन मेरा है और उत्साहित आप हो रहे हैं, उचित है, क्योंकि मेरे जन्मोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी ना। पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये आशीष देती हूँ कि आज से तुम केवल देवताओं के ही नहीं, समस्त जगत के संकट हरोगे, सबके तारण हार बनोगे। वो तो उचित है माँ, किंतु मेरा जन्मदिन। हाँ हाँ, उचित कहा आपने। गणेश बुद्धि में श्रेष्ठ है और युद्ध कौशल में भी पारंगत है। शक्ति और युक्ति का अद्भुत मेल है इसमें, इसलिए संसार के कष्ट हरने का दायित्व वो भली भांति निभा सकता है। हम सभी गणेश के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे अनुज गणेश, क्या हुआ? माँ ने इतनी बड़ी घोषणा की, इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हो? ऐसा नहीं है भैया, माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उचित है फिर। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। उमा, अब मेरा भी ध्यान का समय हो गया है। माँ, मुझे भी एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है, मुझे अनुमति दीजिए, मैं वो कार्य संपन्न कराऊं। उचित है पुत्र। माँ, आप कुछ भूल तो नहीं रही है ना माँ? नहीं पुत्र, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। मुझे ज्ञात है तुम क्या संकेत कर रहे, इतनी महत्वपूर्ण बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया, माँ को तो स्मरण है कल मेरा जन्मदिन है। स्मरण है मुझे पुत्र, सायं संध्या का समय हो चला है, तुम मेरी हर बात का कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद और बहुत सारा आशीष पुत्र। उचित है, अब मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ये क्या, माँ ने तो मेरे जन्मदिन का उल्लेख भी नहीं किया, वो मेरा भी जन्मदिन भूल गई।
भोजन करने में व्यस्त होंगे प्रभु। नहीं मूषक जी, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है प्रभु? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको प्रभु? अवश्य कोई गंभीर चिंता सता रही है आपको। गंभीर चिंता तो है ना मूषक जी, अब आप ही कहिए, कल मेरा जन्मदिन है। और आपका जन्मदिन कल? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रभु। फिर तो बहुत आनंद आएगा, कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। कैसा आनंद मूषक जी? उत्सव तो तब होगा ना जब किसी को मेरा जन्मदिन स्मरण होगा। हाँ, पिताश्री, भैया और माँ को भी, किसी को जैसे कुछ स्मरण ही नहीं। आप समझा, ये तो अत्यंत गंभीर विषय है प्रभु। माँ इतने दिनों बाद कैलाश लौटी है तो क्या इसलिए उनका ध्यान अनेक और बटा हुआ है, और इसलिए वो भी मेरा जन्मदिन भूल गयी? आप तो माता के प्रिय पुत्र हैं, उनके नेत्रों के तारे हैं आप। उनका ध्यान कहीं भी क्यों ना हो, वो कैसे भूल सकती हैं आपको प्रभु? तब तो ये और भी दुख की बात है मूषक जी, क्योंकि अकारण ही भूल गयी हैं वो। तो क्या उनके लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व ही नहीं? वो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, आप ही सबको बता दीजिए प्रभु। नहीं मूषक जी, ये कैसी बात है, मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सबको स्मरण दिलाऊं? बात तो आप भी उचित कह रहे हैं प्रभु, अपने मुख से ही अपनी बात कहना तो उचित नहीं। हाँ, अब जैसे जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं कितना श्रम करता हूँ, आपको आपके संपूर्ण भार के साथ उठाकर ले जाता हूँ, आपको सुरक्षित युद्ध स्थल तक पहुँचाता हूँ, किंतु प्रशंसा किसकी होती है? आपकी। किंतु मैं कभी आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा ही योगदान है, नहीं, कभी नहीं, मैं तो सदा आपकी जय जयकार होने देता हूँ, क्योंकि प्रभु है आप मेरे, इसलिए मैं आपकी पीड़ा अब भली भांति समझ सकता हूँ प्रभु। किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो आपका जन्मदिन ज्ञात है ना, मैं कल आपको बधाई भी दूंगा और आपका जन्म दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु। लीजिए प्रभु, लड्डू ग्रहण कीजिए, हम दोनों आपके जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा मूषक जी, और आप भी किसी को मत बताइएगा। यदि उन्हें मेरा जन्मदिन स्मरण नहीं तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतने तीव्र स्वर में क्यों पुकार रहे हैं मुझे भैया? मूषक जी, क्या मुझे भ्रम हुआ है या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ प्रभु, मैंने भी सुना, ये तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ही स्वर है। गणेश, गणेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने समय से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं दी, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वो माँ तुम्हें कब से? गणेश माँ। माँ को क्या हुआ, क्या हुआ माँ को? वो माँ को, गणेश अभी तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, तुम शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। हाँ आओ। रुकिए भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखें आज की तिथि में चित्रगुप्त की सूची में किसकी कहां मृत्यु निश्चित हुई है। आज तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है।
उनके द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। ये कैसा संयोग बन रहा है? ये क्या, प्रथम पूज्य गणेश जी पर पुनः संकट? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे धर्मराज यमराज जी को यथाशीघ्र सूचित करना होगा। रुकिए भैया, रुकिए भैया, भैया रुकिए। माँ आप कुशल तो है ना? वो भैया मुझे बुलाने आए थे, बहुत चिंतित और व्यग्र प्रतीत हो रहे थे वो। उन्होंने कहा, अनुज गणेश आओ मेरे साथ। माँ पुत्र गणेश, जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। माँ जय गणेश, जय गणेश। आपको मेरा जन्मदिवस स्मरण था माँ? अपने जीवन का सर्वाधिक पावन दिवस मैं कैसे भूल सकती हूँ गणेश? और ना केवल मुझे ही, तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे भ्राता नंदी जी और अन्य गणों को भी स्मरण। कोई भी नहीं भूला तुम्हारा जन्मदिन।